फोटोग्राफी भी होगा हमारे खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ फोटोग्राफी होगा। राजा स्पोर्टिंग 2024 का आदिवासी जाकर क्लब दोनों का फाइनल खेल अभी शुरू होता हुआ राजा स्पोर्टिंग के कब्जे में गेम देखने लिए बात होगी। और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी यूट्यूबर को, आदिवासी झारखंड क्लब गुणवासा कमेटी परिवार, सभी यूट्यूबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि काफी 3-4 दिन से आदिवासी झारखंड क्लब गुणवासा कमेटी में अगर सभी मैच का, सभी खेल का अपने कैमरे पर कैद करें, अगर जो और भी आदिवासी झारखंड क्लब गुणवासा फुटबॉल प्रतियोगिता आप मोबाइल में देखना चाहते हैं तो कई यूट्यूबर ये हारिस स्पोर्ट, ब्लेजर स्पोर्ट जैसे यूट्यूबर आप मोबाइल में सर्च करेंगे तो आदिवासी झारखंड क्लब है गुणवासा का फुटबॉल प्रतियोगिता का आप देख सकते हैं। जी हाँ अमोश जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा रंगा स्पोर्टिंग के टीम के खिलाड़ियों का नाम। कमाल के टीम से खेलते हैं और कमाल के खिलाड़ियों से सजी हुई टीम और गोलकीपर के रूप में जो मैदान के उत्तरी छोर पर हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सात सौ के लिए गोलकीपिंग करने के लिए जाने जाते हैं बहादुर सोरेन। अब तक फर्स्ट राउंड से देखा जाए तो अभी तक टी ग्रुप में जो जिस तरह से प्लेइंग नाइन में नहीं है, सेकंड गोलकीपर की भूमिका में इस समय जर्सी नंबर 4 पर छोटा हर नगर, जर्सी नंबर 8 पर है रेगा बमकिला, जर्सी नंबर 25 पर आर्मी एफसी के टीम कैप्टन प्रकाश गागराई है और जर्सी नंबर 9 पर मोसा डोंगो और जर्सी नंबर 12 पर राम सामंत जो कि सेमीफाइनल में एक गोल टांगे थे और जर्सी नंबर 7 पर नाइकी बिरुली और जर्सी नंबर 17 पर कमाल के खिलाड़ी सेमीफाइनल में भी एक गोल टांगे थे समीर को और जर्सी नंबर 20 पर हम लोग देखेंगे संजय गागराई, जर्सी नंबर 11 मानकी बांकिरा और एप्लेन जो नाइन में है गोलकीपर के रूम में कृष्णा सोए। इस तरह से आर्मी एससी के खिलाड़ियों का नाम और ये मिडिल रेफरी के रूम में कुछ क्षेत्र के दमदार रेफरी और नेशनल प्लेयर रह चुके मिस्टर एंड मिस्टर मेरे प्यारे दोस्त अनुराग सोए जी है और इस क्षेत्र में जो नाम काफी नाम कमा चुके हैं मेरे अच्छे अच्छे निर्णय देने वाले गुजर राम सोरेन जी और नारायण जी भी मौजूद है रेफरीशिप की पैनल में। काफी अच्छा आक्रमण और इस तरह से देखा जाए कॉर्नर किक का मौका मिलता हुआ यहाँ पर नाइकी बिरोली किक करने के लिए कॉर्नर पॉइंट पर गेंद को रखते हुए यहाँ पर आर्मी एफसी को अच्छा मौका यहाँ पर उस मौका को बनाना चाहेंगे और देखना होगा यहाँ पर। और देखिए बहादुर ने कमाल का गोलकीपिंग किए हैं अब तक और देखा जाए तो कृष्णा सोए और यहाँ पर चयन करता हूँ कि मुसीबतें बढ़ सकती है क्योंकि अमोश जी यहाँ पर हमारे गुणवासा कमेटी में काफी सीनियर चयन करता मौजूद है लेकिन किस खिलाड़ी को और किस गोलकीपर को चमचमाती वो एक रेंजर साइकिल मिलेगा बड़ा मुश्किल है कहना भाई अमोश जी। बिल्कुल काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन अभी आदिवासी झारखंड क्लब गुणवासा कमेटी हमारे चयन कर रहा है कौन खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच, कौन खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज, कौन गोलकीपर को बेस्ट गोलकीपर, कौन डिफेंस को बेस्ट डिफेंस दिया जाएगा ये अभी कमेटी चयन कर रहा है तो काफी अच्छी बात है। और दोनों टीम के मैनेजरों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, रांगा स्पोर्टिंग के टीम मैनेजर की जहां तक बात करें गोपिनाथ टाइगर जी, रविंदर महतो, रविंदर महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हर साल आदिवासी झारखंड क्लब है गुणवासा कमेटी में भाग लेते हैं, एंट्री करते हैं और कुछ ना कुछ पुरस्कार लेके जाते हैं राजा स्पोर्टिंग के टीम। तो आज 2024 में भी फाइनल खेल रहे हैं, देखना होगा राजा स्पोर्टिंग जो हाल में ही लिटिल स्टार दुखू जैसे बड़ा टूर्नामेंट में उप विजेता रहा, क्या आज आदिवासी झारखंड क्लब गुणवासा कमेटी में
किया रांगा स्पोर्टिंग की टीम चैंपियन बनेगा तो आप जिक्र कर देंगे अपने टैगर जी। जी हाँ, ये एकदम सभी सवाल अमर जी आपने मेरे से सवाल किए। कोटपाड़ी क्षेत्र के दमदार फुटबॉल टूर्नामेंट निखिल स्टार क्लब चुरबई के ऐतिहासिक मैदान पर रांगा स्पोर्टिंग की टीम उप विजेता रही थी, यहाँ पर फाइनल जरूर खेल रहे हैं या उप विजेता को विजेता में तब्दील करेंगे गोजावास के ऐतिहासिक मैदान पर देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से रविंद्र माथो और रातू राम और रांगा स्पोर्टिंग भी चाहेंगे कि लिटिल स्टार क्लब चुरबई में उप विजेता है, वो भी चाहेंगे कि आदिवासी झारखंड क्लब है गुणवासा में 2024 के सीजन में 2000 यहाँ पर निमार मराठी को मिला था, काफी अच्छा मौका मिला था और कुनर किक का मौका मिलेगा। तो पिछले साल 2023 से सबसे बड़ा योगदान है कि आर्मी एफसी की टीम को आदिवासी झारखंड क्लब गुणवासा कमेटी में के मैदान में लाना उसका सबसे बड़ा योगदान गोपनीय टाइगर जी। सबसे बड़ा सवाल पैदा यही होता है आर्मी एफसी टीम के लिए, 2023 में सेमीफाइनल तक सफर तय किए थे और 2024 में कैप्टन है और आर्मी एफसी के टीम का कैप्टन प्रकाश गगर है, दोनों अनुभवी कैप्टन और दोनों कैप्टन राजनीति के साथ खेलेंगे कि चाहेंगे कि आदिवासी झारखंड कला गुणवासा के इस मैदान पर एक चैंपियन बनना चाहेंगे। और जहां तक बात करें सुनील सरदार की, जहां तक बात करें प्रकाश गगराई की, दोनों टीम का कैप्टन काफी अनुभवी है। जी हाँ, जो भी टीम जीतेगी अमोश जी यहाँ पर क्लब गुणवासा कमेटी में इतिहास के पन्नों पर हमेशा दर्ज रहेगा, जो कि अगला साल 2025 में जाके एक नया चैंपियन टीम को मिलेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कहा कि जो चैंपियन बनेगा आदिवासी झारखंड क्लब गुणवासा के मैदान पर वे 2025 तक जुलाई महीने तक जब तक वे चैंपियन रहेंगे तो उसके बाद जब दोबारा आयोजन होगा उसके बाद दूसरा टीम अपना 2025 का चैंपियन टीम बनेगा। ये इसमें से जो खेले हुई टीम चैंपियन बनेगा ये तो वक्त बताएंगे, समय ही बताएंगे। यहाँ पर अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों टीम के द्वारा आर्मी एफसी वर्सेस रांगा स्पोर्टिंग। और मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे अतिथि गण भी इस खेल का आनंद उठा रहे, मानसान श्याम सुंदर देवगम जी, मानसान आजम खान जी, मानसान गुणराम देवगम जी, मानसान ठाकुर सिंह देवगम जी, मानसान नटराज देवगम जी, मानसान मानदार देवगम जी, मानसान ग्रामीण मुंडा गुणराम देवगम जी, सभी कमेटी के मेंबर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और मैं आदिवासी झारखंड क्लब गुणवासा लोकन बसा सरदार बसा डोमोर दिए आयता सभी को मैं आदर करता हूँ, सभी लोग का ये बड़ा योगदान है, सहयोग है जो इस प्रकार का हम फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। अब गुणवासा की जहाँ तक बात करें जो कि गुणवासा सभी बच्चा से लेकर बूढ़ा तक है इस कमेटी में जोर करके सहयोग कर रहे हैं। गोपीनाथ टैगर जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, बहुत ही खुशी की बात है, यह कमेटी जो बनता है ना अमोश जी, अकेला या एकलौता कमेटी नहीं बनता है, संगति और संगठन को स्थापित करना और उसके बाद में जो बुजुर्ग रहेगा उनसे भी राय मशविरा करके एक मजबूत कमेटी बनता है। जैसे कि आपने जिसका नाम जिक्र किया, तहे दिल से मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस मैदान का जो मालिक जो नटराज देवगम जो कि कुआरा लड़का, और देखा जाए तो यहाँ पर उनका काफी बड़ा जिक्र होना भी चाहिए, जिस तरह से मैदान मालिक ने सजा है। झारखंड क्लब रहा करता था, गुना नाम का व्यक्ति सबसे पहले इस गांव में घर बनाया और उसी से इस गांव को गुणवासा नाम रखा है और अभी तक सहबसा क्षेत्र के ये गुणवासा नाम रखा है और ये सबसे बड़ी अच्छा की यहाँ पर गोपीनाथ टैगर जी आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही फरमाया, एक पहले एक गुना राम करके एक नाम था जो उनका नाम है, गांव का नाम भी स्थापित हुआ और चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि यह नाम
अभी काफी फेमस हो चुका है फुटबॉल खेल के जगत में, और देखा जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफी बड़ा टूर्नामेंट होता है, और सदर प्रखंड का ये सबसे पहला टूर्नामेंट और बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। अमर जी यहाँ पर गुंडापासा एक ऐतिहासिक कमेटी बन चुकी है, ऐतिहासिक मैदान बन चुकी है, ऐतिहासिक आयोजनकर्ता बन चुकी है, और आने वाले समय में बहुत ही लाजवाब और कमाल के और ऊंचे दर्जे में ये कमेटी जाएगी। चलिए मैदान की ओर ले चलता हूँ, ये समीर को जर्सी नंबर 17, और देखिए इनसे सावधान रहना होगा, ताकतवर खिलाड़ी है, नाइकी के लिए यहाँ पर पास दिए है एक्टिविटी के साथ, यहाँ पर लेफ्ट पाव से लिया गया पास और प्रकाश गगरे टीम के कैप्टन के पास, और देखिए काफी समझ बोझ के साथ ये मसाए दोंगो बेहतरीन पास दिया है राम के लिए जर्सी नंबर 12, यहाँ पर पिछले सेमीफाइनल के गोलदाता या दो खिलाड़ी यहाँ पर ब्लॉक किए हैं, जानते हैं इनको मौका दिया जाए तो मुश्किलें कर सकती है अगेंस्ट टीम के लिए, और ये देखिए, और जैसे कि रेफरी महोदय अनुराग साय का इस प्रतियोगिता का जे यूट्यूबर यहाँ पर हम सबों के बीच में मौजूद है, मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले मैं जाऊंगा ये अंधारी कुमार जोगी क्षेत्र के 3X स्पोर्ट्स, और साथ ही साथ इस क्षेत्र के नामचीन यूट्यूबरों में से एक हरीश स्पोर्ट, लेजर फुटबॉल स्पोर्ट्स और सूरज फुटबॉल क्लब, और साथ ही साथ आप देखिए देखा जाए तो इधर पूर्वी सिंहभूम से इतना दूर से आए हैं बानकी सरदार, आता फुट का क्षेत्र से आए हैं यूट्यूबर, और गमरिया कांडा की तरफ से रामदान मुर्मू यूट्यूब चैनल, ये सेम जो यूट्यूबर आया है इस मैच को कैच करने के लिए हम तारीफ करनी होगी यहाँ पर अमोश जी। बिल्कुल सभी यूट्यूबर को हमारे कमेटी परिवार से, कमेटी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद, और सभी दर्शक बंधु को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह आदिवासी झारखंड क्लब गुंडापासा कमेटी को सहयोग कर रहा है, और ये गोपीनाथ टैगर जी आपका क्या कहने, दोनों टीम मजबूती टीम है, मध्यंतर से पहले दोनों टीम 0-0 पर मध्यंतर हुआ, अभी मध्यंतर के बाद खेल शुरू होता हुआ, कौन सा टीम जीत हासिल करेगा क्या आप जिक्र कर देंगे? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है अमर जी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर रांगा स्पोर्टिंग अमर जी डी ग्रुप के तरफ से आज का जो फाइनल तीन डी ग्रुप के लिए ये ग्रुप सी के तरफ से खेलते हुए यहाँ पर फाइनलिस्ट टीम बने हैं, और यहाँ पर कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेंगे अमर जी, जानते हैं भली बात ही, और यहाँ पर देखा जाए और देखिए कृष्णा सोय चुंबक की बात ही गोलकीपिंग कर रहे हैं, और देखा जाए तो कमाल का मैच हो रहा है, एक तरफ देखा जाए तो रंग स्पोर्टिंग के समर्थक भी काफी यहाँ पर आए हुए हैं, और तमाम आरबीएफसी के समर्थक भी आए हुए हैं, और जा रहे हैं समर्थक महोदय अमोश जी, किसी भी तरह से मेरा टीम जीते, हमारा टीम जीते, और ऐसे कम कमजोर दिल वाले समर्थक ये मैच को ना देखे अमोश जी, कहीं हार्ट अटैक से कहीं एक्सपायर ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है, काफी रोमांचक खेल का प्रदर्शन यह है समीर गोप की टीम का, कितनी उसकी योगदान से आर्मी एफसी की टीम फाइनल तक पहुंची है, समीर गोप अच्छे खिलाड़ी है, और गोपीनाथ टैगर जी हमारे खिलाड़ी बंधु को, हमारे दर्शक बंधु को भी ये भी हमें जानकारी देना चाहिए, कई लोग सोच रहा होगा इतना अच्छा फुटबॉल प्रतियोगिता आज खत्म हो रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, उन लोग सोच रहा होगा, उन लोग को भी हम लोग बताएंगे की टी के 29 तारीख से हमारे बीपीएमसी उलियातू की कमेटी भी हमें आमंत्रित कर रहे हैं सभी टीम के खिलाड़ियों को, टीम के कैप्टन को, इसीलिए सभी टीम का कैप्टन, टीम मैनेजर और दर्शक बंधु 29/7/2024 से पुनः हम बीपीएमसी उलियातू के मैदान में रहेंगे आएंगे, आप इस दर्शक बंधु को जानकारी देंगे। चलिए तमाम दर्शक भाइयों को और दर्शिकाओं को और कहना चाहूंगा, और कुछ दिन में 29 तारीख इसी महीना के लास्ट में उलिहातों के ऐतिहासिक मैदान पर फिर एक बार इस तरह का फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज होगा, इसमें इस बार 2024 में 25वां वर्षगांठ बना रही है, सिल्वर जुबली के तौर पर फुटबॉल खेल का आयोजन हुआ है इस बार, और कमाल का प्राइज रखा गया है, जीतने वाले टीम को 10,000 रुपया दिया जाएगा, और साथ ही साथ दो फाइनलिस्ट टीम
के खिलाड़ियों को 13-13 ट्रैक सूट से सम्मानित किया जाएगा, साथ ही साथ कोच मैनेजर को भी सम्मानित किया जाएगा और 40 प्लस में भी दो पैनलिस्ट टीम को 13-13 ट्रैक सूट दिया जाएगा और प्राइज रहेंगे ही, उनको 4 कश्ती दिया जाएगा। और इस बार ओली ऑटो फुटबॉल टूर्नामेंट में आना नहीं भूलेंगे, मैं आप सबों को अनाउंसमेंट के जरिए इनविटेशन आमंत्रण और निमंत्रण करता हूँ, जो कि 2 अगस्त के दिन फाइनल होगा ओली ऑटो फुटबॉल टूर्नामेंट में, उसमें सारे हो टीम के एक्टर और हीरोइन सबको आमंत्रित किया गया है। हम चाहेंगे कि कमेटी चालू है, चल रहा है आज का ये अच्छा मौका यहाँ पर देखना होगा, रंगा स्पोर्टिंग को कुनरकी का मौका मिला था और यहाँ पर काफी अच्छा रंगा स्पोर्टिंग की जहां तक बात करेंगे अपने टाइगर जी, जो आज ग्रुप डी जो आज का लगातार रंगा स्पोर्टिंग का टीम खेल रहे हैं लेकिन वही रफ्तार में खेल रहे हैं, आपका क्या कहना है? जी है, इनके पास दमकम है अमर जी, हुनर है इनके पास, रिदम है, यदि उस रिदम को पकड़ पाएंगे, उस लय को पकड़ पाएंगे तो निश्चित तौर पर आरबीएससी टीम के लिए मुसीबतें खड़ा कर सकती है रंगा स्पोर्टिंग की टीम अमर। और यहाँ पर राम सवाडे कमाल के खिलाड़ी है, कमाल का खेल को दर्शाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नेमार बार्डी, अमोर जी मुझे याद आया नेमार बार्डी जो है ना, ये तो नाम तो है नेमार बार्डी, आदिवासी झारखंड का गुना के ऐतिहासिक मैदान पर खेल रहे हैं, लेकिन दुनिया के सबसे फेमस खिलाड़ी ब्राजील के सुपरस्टार नेमार, वो भी नेमार करके नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो झारखंड के नेमार है, नेमार है और ये खतरनाक कटिंग यहाँ पर देखने को मिलता हुआ और यहाँ पर रोक लगी है के द्वारा और गोलकीपर को कोई परेशानी नहीं हुई है कि इंतजार को, और यह है टीम कैप्टन 25 नंबर जर्सी पर प्रकाश जाग रही। और यहाँ पर अलीम सरदार ने यहाँ पर अच्छा अपील किए थे, उस अपील को स्वीकारते हुए अनुराग सोए जी, और यहाँ पर एक खिलाड़ी का नाम जो आता है रंगा स्पोर्टिंग नसीम, और उस खिलाड़ी का नसीब ये पैदल मैच में देखने को होगा। और यहाँ पर काफी अच्छा मौसम, सुहाना सपन मौसम, यहाँ पर रंगीला मौसम के बीच में खेल चलता हुआ और तमाम कमाल का एक्टिविटी दिखाते हुए काफी शानदार अंदाज में दर्शक और दर्शिकाएं मौजूद हैं। मैं उम्मीद करूंगा विगत 21 सप्ताह है किसी कारणवश समय का नजाकत को अपने पर्याप्त नहीं कर पाया होगा, फिर भी अमर जी आने वाले समय में वो सुधार किया जा सकता है, थोड़ा सा समय कभी हुआ तो किया हुआ लेकिन अगले साल सुधारा जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो कभी कमाल का समय पर यहाँ पर मैच फाइनल मैच का शुरू हुआ है और दर्शकों की जो यही समय है और काफी सोच विचार के साथ आते हैं दर्शक, किसी तरह से फाइनल मैच देखा जाए और मजबूत टीम दो दिग्गज टीम फाइनलिस्ट टीम बन चुके हैं। देखिए एक खिलाड़ी को कट करने के बाद यहाँ पर दूसरा खिलाड़ी को भी कट किए थे, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर जर्सी पहने हुए होनार डिफेंडर छोटा होनागा को भेज पाने में नाकाम हुए हैं। यहाँ पर मैगी बिरोली गेंद के पीछे दौड़ता हुआ अच्छी कंट्रोलिंग देखने को मिलता हुआ एक्टिविटी, और देखिए खिलाड़ी को कट करने का प्रयास, यहाँ पर अलीम सरदार जैसे खिलाड़ी को भेज पाना बहुत ही मुश्किल है अमर जी, भले ही छोटे कच्चे खिलाड़ी है अमर यह अलीम सरदार, लेकिन कारनामा बड़े बड़े दिखाते हैं। आपको निकाल दो चलिए कि दहली जी पर पहुंचाया जाए और जीत की रथ पर सवारा जाए, यही सोच रहे हैं दोनों टीम अमोस जी। और यहाँ पर देखिए कमाल का खेल का प्रदर्शन और बहुत ही एक्टिविटी के साथ यहाँ पर सुनील 17 नंबर जर्सी पर इसके जो खेल रहे हैं वो कहा हो सकते हैं लेफ्ट पास से लिया गया शॉट, थोड़ा सा पीछे रह गए स्ट्राइकर रंगा स्पोर्टिंग के और कमाल का कटिंग यहाँ पर नाइकी बिरोली के द्वारा
और मुकेश ने यहाँ पर गेंद को अपने में कब्जे में लेकर के यहाँ पर फिर एक बार सुनील के लिए और हल्की सी उछल दिए, लेकिन साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं, गोलकीपर ने कोई परेशानी नहीं, आसानी से कृष्णा सोय ने गेंद को कब्जे में लेकर के अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, निहार रहे हैं, लेकिन लंबे की यहाँ पर टेक्निकल एरिया के आसपास विजेता टीम को यहाँ पर समीर को और यहाँ पर गलत पास गलत कर बैठे समीर को और यहाँ पर देखना होगा सुनील सरदार के लिए। और यहाँ पर अच्छा मौका और इसी के साथ खेल का समाप्ति।